हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, भारत में एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनको देखकर मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाओ। इस वाओ कंपनी का नाम है यामा और इसका एक वाओ स्कूटर यामा फैसिनो का आपने वॉक अराउंड वीडियो देखा था आपके अपने फेवरेट चैनल राइड विद आशीष पर, मगर उस बात को काफी ज्यादा समय हो गया। दोस्तों, फैसिनो एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब है चार्म या ग्लैमर। अब इस स्कूटर के BS4 वर्जन में ये दोनों चीजें थी, मगर BS6 में इन दोनों शब्दों के साथ एक वाओ फैक्टर और ऐड हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये स्कूटर BS4 के कंपैरिजन में पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अब ये सिर्फ खूबसूरत ही है या चलाने में भी आपको इस स्कूटर में मज़ा आने वाला है, पावरफुल है या नहीं, ये जानने के लिए आज मैं आया हूँ यामा के शोरूम में, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, AVS मोटर्स, जो यहाँ हल्द्वानी रामपुर रोड में स्थित है। इसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से ये खूबसूरत और यामा की बाकी ज़बरदस्त वाओ ऑफरिंग खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इस स्कूटर को लेकर चलेंगे एक लंबी टेस्ट राइड पर और बहुत डिटेल में बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी सेफ्टी की और इसके बाकी सारे फीचर्स की। तो बाकी बातें मैं करूंगा आपसे स्कूटर के ऊपर बैठकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और कम्फर्ट की, और उसमें भी मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि इस गाड़ी में आपको मिलता है साइलेंट स्टार्ट सिस्टम। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन किया मैंने और ये स्कूटर हो गया स्टार्ट। तो ये कब स्टार्ट हुआ पता ही नहीं चला, इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा फीचर है, होंडा में भी आता है, आप जानते हैं स्कूटर्स में। इसके बाद बात करेंगे इसकी हैंडल बार पोजीशन की। तो आप देखिए दोस्तों, थोड़ा छोटा सा स्कूटर है और हैंडल बार इसकी काफ़ी अप्रोप्रिएटली लगाई हुई है, मुझे ऐसी कोई नीचे नहीं दिखाई दे रही काफ़ी ज़्यादा हैंडल बार, और बहुत ज़्यादा ऊँची भी नहीं है। हाथ में फैला के इसको ठीक ठाक पकड़ ले रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये स्कूटर जो है वो लेडीज़ के लिए ओरिएंटेड है। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरीके से दिया है कि ये फीमेल राइडर्स के लिए ज़्यादा फोकस है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप इस स्कूटर को काफ़ी अप्रोप्रिएटली चला सकते हैं। बात करूँगा मैं इसके नी केबिन की और फ्लोर बोर्ड हाइट की। तो फ्लोर बोर्ड हाइट आप देखिए, इसकी जो फ्लोर बोर्ड है वो इजी रीच है, ये इसमें एक यामा ने फीचर दिया कि आप काफ़ी आराम से इसमें आप नीचे से पैर रख सकते हैं। और इसके बाद जो नी केबिन स्पेस है ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है, क्योंकि आपको इसमें यहाँ पे कोई भी पॉकेट नहीं मिलती है, फ्रंट पॉकेट इसमें दोनों तरफ नहीं है, तो नी केबिन स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊँ, जो मैंने पैर रखे हुए हैं, पैर रखने के बाद भी आगे और पीछे चलाने की काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो एक आध स्कूटर्स में थोड़ा सा क्रैम्प था एरिया, तो नी केबिन इसमें काफ़ी अप्रोप्रिएट है। अगला पॉइंट आता है सीट हाइट का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी हाइट है 5'8" और बहुत ही आराम से मेरे पैर नीचे ज़मीन तक पहुंच पा रहे हैं। इसकी सीट हाइट है 780 mm की, जो काफ़ी अप्रोप्रिएटली आपको यामा ने इसमें दी है, यानी फ्लोर बोर्ड के हिसाब से भी सीट हाइट सही है और ग्राउंड से भी सीट हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। सीट की क्वालिटी की मैं बात करूँगा तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और चौड़ी सीट मिलती है, सीट की लंबाई भी अच्छी खासी है। अभी कमल भाई मेरे साथ चलेंगे, बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पीछे की पिलियन की सीट कैसी है, मगर मैं आपको बताऊं सीट का कुशन जो है इसमें आपको ठीक ठाक मिलेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक ठाक सा इसमें आपको कुशन मिलता है। तो अब बाकी बातें हम लोग स्कूटर को चलाएंगे तो रास्ते में करेंगे, तो चलिए लेकर चलते हैं इसको राइड पर। तो दोस्तों, अब अगला पॉइंट आता है इसमें व्हील बेस का। तो इस स्कूटर में आपको मिलता है 1280 mm का ज़बरदस्त व्हील बेस, काफ़ी बड़ा व्हील बेस है। आप जानते हैं, अगर मैं किसके कॉम्पिटिशन की बात करूँ एक्सेस, तो उसमें आपको 1265 mm का ही व्हील बेस मिलता है। तो इसमें व्हील बेस के मामले में यामा ने काफ़ी अच्छा व्हील बेस इसमें आपको दिया है, तो आपको इस स्कूटर में चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी।
अगला पॉइंट है इसमें आपको बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में थोड़ा सा यामा ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि ये स्कूटर आता है सिर्फ 145 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, जो मेरे हिसाब से भारतीय सड़कों के लिए थोड़ा सा कम है। ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो ये एक छोटी सी आपको इस स्कूटर में कमी मिलती है। कंफर्ट और राइड क्वालिटी में आखिरी पॉइंट बचता है सस्पेंशन का। तो मैं आपको बताऊं, इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जो भारत में ज़्यादातर स्कूटर्स में आते हैं, और पीछे आपको मिलता है यूनिट स्विंग सस्पेंशन। तो स्कूटर्स का सस्पेंशन दोस्तों ठीक ठाक रहता है, और सस्पेंशन आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसा बाइक के कंपैरिजन में आपको सस्पेंशन स्कूटर्स में जनरली नहीं मिलता है। तो दोस्तों सड़क थोड़ी सी उबड़ खाबड़ आ गई है, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि सस्पेंशन कैसे हैं। तो झटके तो हैं दोस्तों इसमें, मगर ज़्यादातर स्कूटर्स में आपको झटके मिलते हैं, तो सस्पेंशन क्वालिटी टेलीस्कोपिक के हिसाब से ठीक ठाक है। अब बात करेंगे हम लोग कन्वीनियंस की। तो कन्वीनियंस में आपको इस स्कूटर में यहाँ पर आगे की तरफ एक हुक मिलता है, सीट के नीचे एक हुक नहीं है, एक हुक सीट के नीचे भी होना चाहिए था। इसके बाद कन्वीनियंस में सबसे बढ़िया चीज़ आपको मिस में मिलती है, इसकी अंडर सीट स्टोरेज 21 लीटर की है, बड़ी अंडर सीट स्टोरेज इसमें आपको मिलती है, आप आराम से एक स्टड्स का बड़ा फुल फेस हेलमेट इसमें स्टोर कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर फ्रंट पॉकेट्स नहीं मिलती हैं, इसमें आपको फ्रंट पॉकेट्स मिलनी चाहिए थी, तो ये भी एक छोटी सी इस स्कूटर में थोड़ा सा कमी है। अब आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके लिए आपको यामा खरीदना चाहिए, वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में आपको बताऊं, BS4 में इस स्कूटर में आपको मिलता था 113 सीसी का इंजन, जिसे BS6 में बड़ा करके कर दिया गया है 125 सीसी का, और ये सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, टू वॉल्व इंजन है, और ये BS6 में फ्यूल इंजेक्टेड हो गया है, एयर कूल्ड है और सिंगल सिलेंडर है। इस इंजन से आपको 8.09 BHP की पावर मिलती है और 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ स्कूटर्स में आपको उससे ज़्यादा की वैल्यूज़ भी मिलती हैं, मगर एडिक्वेट है। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके हिसाब से ये पावर और टॉर्क वैल्यूज़ बिल्कुल आपको सफिशिएंट मिलेंगी। इस स्कूटर में आपको मिलता है अंडर स्क्वायर इंजन, जिसमें आपका बोर छोटा है और स्ट्रोक बड़ा है, ये वैल्यूज़ मैं आपको वीडियो में छोड़ दूंगा। और सबसे खास बात है इस स्कूटर की, वो है कि इसमें आपको मिलता है ब्लू कोर इंजन। अब ब्लू कोर इंजन जो है वो यामा का स्पेशल इंजन है। इस इंजन में यामा ने टोटल 3 पॉइंट्स को एड्रेस किया है। सबसे पहले बढ़ाई है इसकी कंबस्शन इफिशियंसी, यानी इस इंजन में कंबस्शन बेहतर होगा, और कंबस्शन बेहतर होने के बाद ये इंजन पॉल्यूशन कम करेगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट यामा ने एड्रेस किया है, वो है इसकी कूलिंग इफिशियंसी को इम्प्रूव किया है। तो कूलिंग इफिशियंसी इम्प्रूव करने से आप जानते हैं बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, ये स्कूटर आपको बेहतर माइलेज देगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसको कूलिंग की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें एडवांटेजेस मिलेंगे। तीसरा पॉइंट जो यामा ने एड्रेस किया है वो है पावर लॉस को कम किया है, वो है इसका तीसरा पॉइंट। तो पावर लॉस के कम होने से आप जानते हैं आपको इस इंजन से बेहतर पिकअप मिलेगा। तो इस इंजन को ऐड करने से एडवांटेज ये हुआ है कि पावर आउटपुट 30% ज़्यादा हो गई है, और फ्यूल इकोनॉमी भी पहले से 16% बेहतर हो गई है। इसके बाद इस स्कूटर की सबसे खास बात है, वो है इसका वजन। ये लाइट वेट स्कूटर है, सिर्फ 99 किलोग्राम के वजन के साथ आता है। अगर आप एक्सेस से कंपैरिजन करेंगे या किसी से भी कंपैरिजन करेंगे, इवन 110 सीसी के स्कूटर भी इससे भारी हैं। 103, 104, 105 केजी के स्कूटर्स मिलते हैं, ये आपको सिर्फ 99 केजी का वजन के साथ मिलता है। और उसकी सबसे एडवांटेज इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा कि इस स्कूटर में आपको बहुत ही बढ़िया पावर टू वेट रेशियो मिलता है, जो है 0.082 हॉर्स पावर पर केजी का पावर टू वेट रेशियो, जो काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यू है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एंटोर का भी देखोगे तो उसमें भी पावर टू वेट रेशियो इस स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है, जबकि उसकी पावर इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो यामा ने बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों अब हम लोग चेक करेंगे इसका पिकअप, वाइब्रेशन और कर्व में ये कैसे कटिंग लेता है। तो मैं पिकअप चेक करके देखता हूँ। वाह, एक्सेलेटर दिया और स्कूटर हो गया गोली। तो हम लोग इसको तेज चलाएंगे, और तेज चलाने के बाद मैं देखता हूँ इसमें वाइब्रेशन कैसे, क्योंकि BS4 में बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि सर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी तेज चल रहा है इस वक्त स्कूटर, और वाइब्रेशंस ना के बराबर है दोस्तों, या मैं बोलूँगा वाइब्रेशन है ही नहीं, ऐसे कोई वाइब्रेशन मेरे को इसमें नहीं लगे। जो BS4 में बहुत सारी शिकायत थी कि बॉडी वाइब्रेट करती है, हालांकि बहुत ज़्यादा तेज स्पीड नहीं है, मगर इतनी स्पीड में भी लगभग 60-65 के आसपास की स्पीड होगी, इसमें कोई भी वाइब्रेशन मेरे को इसमें फील नहीं हुए। अब मैं कॉर्नर कटिंग देखता हूँ इस स्कूटर की, कॉर्नर कटिंग कैसी है। तो आगे थोड़ा सा कर्व है, स्टेबिलिटी वहाँ से मालूम पड़ेगी हमको इसकी कॉर्नर कटिंग देखने
के बाद। तो जब तक हम लोग कर्व का इंतजार करते तब तक हम लोग बात कर लेते हैं सेफ्टी की। मैं आपको बता दूं, इस स्कूटर में आपको सेफ्टी में जो टायर्स मिलते हैं, आगे आपको मिलता है बड़ा टायर 12 इंच का 90 मिलीमीटर चौड़ा, मगर पीछे का टायर दोस्तों खास है। इसमें आपको मिलता है 10 इंच का छोटा टायर है, मगर वो है 110 मिलीमीटर चौड़ा। ज़्यादातर स्कूटर्स में आपको काफ़ी पतला टायर मिलता है पीछे का, ज़्यादातर स्कूटर में आपको 90 मिलीमीटर का टायर मिलता है, इसमें आपको मिलेगा 110 मिलीमीटर चौड़ा टायर। दूसरा आपको सेफ्टी में इसमें मिलता है वो इसका ब्रेक, जो आप आगे के टायर में देख पा रहे होंगे, ये स्कूटर आता है डिस्क ब्रेक के साथ। इसमें एक ड्रम ब्रेक वाला मॉडल भी आता है, इसमें दोनों पहियों में ड्रम ब्रेक आते हैं, इसमें आगे के पहिए में डिस्क ब्रेक आता है और पीछे के पहिए में ड्रम ब्रेक आता है। तो मैं आपको इसके ब्रेक चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ब्रेक बहुत ही शानदार है, दबाते ही ब्रेक स्कूटर रुक गया। अब कर्व आ गया है, हम लोग इसी कॉर्नर कटिंग देखते हैं, तो अच्छी खासी स्पीड में चलाऊंगा। तो कॉर्नर कटिंग भी अच्छी है दोस्तों इस स्कूटर की। एक और कर्व आया है, हम लोग यहाँ पर भी इसकी कॉर्नर कटिंग देखेंगे। तो ये वाह क्या बात है, मज़ा आ गया चला के स्कूटर को, बहुत ही बढ़िया कॉर्नर कटिंग है। अब आप देखिए कितना झुका के चला रहा हूँ मैं, स्कूटर में जनरली हम लोग ये काम करते नहीं हैं। तो ब्रेक्स भी ज़बरदस्त है और कॉर्नर कटिंग भी शानदार है। अब दोस्तों इसमें सेफ्टी में एक पॉइंट और आता है, वो आता है इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ। मैं पहले उससे पहले आपको मिरर्स की बात करूँ, तो मिरर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और काफ़ी अच्छा इसमें व्यूइंग एंगल मेरे को दिखाई दे रहा है। मतलब ज़्यादातर स्कूटर्स मैंने चलाए उसमें मेरे को इतने बड़े मिरर्स नहीं दिखाई दिए। और मैं आपको बताऊँ इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है, यानी इसका साइड स्टैंड खोलेंगे, ये लो भाई स्कूटर हो गया बंद, बंद हो गया, साइड स्टैंड खोलते ही बंद हो जाता है। ये इसमें एक और सेफ्टी फीचर है। और स्टार्ट भी साइलेंट स्टार्ट है, आप जानते ही हैं कब आप बटन दबाएंगे कब स्टार्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मज़ा आ गया यार स्कूटर चला के, यामा के स्कूटर का मैं फ़ैन हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पूरी हो गई, अब देखते हैं ये स्कूटर फन टू राइड है या नहीं। भाई चलाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त है, पावर वगैरह हर चीज़ बढ़िया है। हॉर्न चेक करते हैं इसका, तो हॉर्न भी काफ़ी दमदार है। लड़कियों के हिसाब से स्कूटर बनाया है, मगर हॉर्न लड़कियों के हिसाब से नहीं दिया है, हॉर्न तो है जो है वो जेंट्स के हिसाब से ही दिया है, तो हॉर्न अच्छा है। तो दोस्तों फन में अगला पॉइंट आता है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो आपको इसमें यहाँ पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है, डिजिटल नहीं मिलता। क्लासिक स्टाइल का इंस्ट्रूमेंट पैनल है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मगर डिजिटल नहीं है, डिजिटल होना चाहिए था, ये एक छोटी सी मेरे को इसमें कमी लगी। और यहाँ पर आपको एक ऑल इन वन की स्विच मिलेगा, मल्टी फंक्शनल की स्विच है, इसमें आप सीडी भी खोल सकते हैं, हैंडल लॉक कर सकते हैं, इग्निशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल फ्यूल इसमें आता नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलता। इसके बाद इसमें आपको मिलता है स्मार्ट मोटर जनरेटर, आप जानते हैं साइलेंट स्टार्ट हो गया, और स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम मिलता है, वो स्विच ये है। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो आप अपना स्कूटर अगर 3 या 4 सेकंड 5 सेकंड के रोकेंगे तो स्कूटर बंद नहीं होगा, और अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप ट्रैफिक लाइट पर स्कूटर रोकते हैं तो आपका स्कूटर 2-3 सेकंड के बाद अगर रुका हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपको चलाने के लिए क्या करना है, ब्रेक छोड़ना है और एक्सेलेरेटर देना है, आपका स्कूटर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आपको बार बार सेल्फ स्टार्ट नहीं देते रहना, जो आपको यहाँ पर नीचे मिलता है। और अगर मैं हैंडल बार के लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो वहाँ पर आपको वही हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, पास स्विच नहीं आता यहाँ पर, यह भी इसमें कमी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड इंडिकेटर का स्विच मिलता है और नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। बहुत ही सिंपल सा इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है और बहुत ही सिंपल सा स्कूटर का कंस्ट्रक्शन है। इसका ARAI माइलेज है 66 किलोमीटर पर लीटर का, मगर जो लोगों ने क्लेम किया है वो उनको 45 से लेकर 55 किलोमीटर के आसपास का माइलेज मिलता है। और इसमें आप 5.2 लीटर पेट्रोल भरा सकते हैं, 45 किलोमीटर की आपको इसमें माइलेज मिलता है। तो इस स्कूटर में आपको 234 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलेगी फुल टैंक में। और अगर मैं 50 का माइलेज पकड़ के चलूँ तो आपको 250 से ऊपर की रेंज मिल जाएगी। अब आता है लास्ट में पिलियन कंफर्ट का, तो मैं उसके लिए रुक करूँगा कमल भाई का। कमल भाई स्कूटर खरीदते समय यार पिलियन कम्फर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जनरली हम लोग राइड करते हैं अपने किसी दोस्त के साथ या अपने किसी खास के साथ। तो भाई पीछे बैठे होती देर से आप, अब मुझे बताओ आपको पीछे की सीट कैसी लग रही है? पीछे की सीट सर इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आगे जैसा ही कुशन है पीछे भी, तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल होगी। लंबाई पीछे जगह है जाने के लिए? पीछे सर इसमें दो जने बैठ के ट्रिपलिंग करने के लिए टफ पड़ जाएगा। तो भाई ट्रिपलिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ मैंने ट्रिपलिंग के हिसाब से सीट नहीं बनाई है, मगर दो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और कमल इसका जो पिलियन ग्रैब है उसके बारे में भी यहाँ मैंने बोला है अपनी वेबसाइट पर कि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल पिलियन ग्रैब है इसका। हाँ सर बिल्कुल, सर बिल्कुल सही बोला है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बहुत ही कम्फर्टेबल इसका। एक हाथ से पकड़ के भी
कंफर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों पिलियन रियर ग्रैब और पिलियन सीट दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो दोस्तों ख़त्म इसका लंबा राइड रिव्यू, अब गाड़ी रोकते हैं कहीं साइड में और बात करेंगे इसके वर्डिक्ट की, तो थोड़ी सी साफ सी जगह मिल जाए, ये कूड़ा कवाड़ा गंदगी ख़त्म हो जाए। और हाँ एक और पॉइंट आता है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि यार पिलियन को बिठा के पिकअप बताओ, तो इस वक्त कमल भाई मेरे साथ हैं और अब हम लोग पिकअप देखते हैं। तो पिलियन के साथ भी दोस्तों पिकअप में कोई भी कमी नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिलियन के बाद भी पिकअप पहले जैसा ही है। तो बहुत ही शानदार यामा ने अब की बार BS6 में अपना इंजन दिया है, आप ले जाइए इस स्कूटर को और काफ़ी कॉन्फिडेंस से आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबी राइड थी, मज़ा आ गया मुझे स्कूटर को चला के। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा हमेशा की तरह कि हमको स्कूटर क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेटेड है, तो इसकी वजह से आपको आंधी वगैरह में तेज़ हवा में चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही आपको इसमें फ्रंट में जो हेडलाइट मिलती है वो हेलोजन हेडलाइट मिलती है, इसमें LED हेडलाइट नहीं आती, तो ये भी इसमें कमी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सीट के नीचे कोई एडिशनल हुक नहीं मिलता, तो ये भी इसमें कमी है। इसके बाद इसमें एक एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग नहीं है जो होनी चाहिए थी, ये भी इसमें कमी है। इसके बाद इसमें आपको यहाँ पर फ्रंट में कोई भी पॉकेट नहीं मिलती, तो ये भी इसमें कमी है। उसके बाद इसकी पूरी बॉडी फाइबर की है और केवल इसका फ्रंट फेंडर है वो मेटल का है, तो ये भी इसमें एक थोड़ी सी कमी है। बहुत सारे लोगों को लगती है, मुझे नहीं लगती। और इसमें आपको कोई भी USB चार्जर नहीं मिलता, इसकी अंडर सीट वाले पोर्शन में भी कोई भी चार्जर नहीं है। और एक और बहुत बड़ी कमी है इस स्कूटर की, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है, 145 mm का है। हालांकि मैंने इतनी देर चलाया, छोटे मोटे मेरे को यहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी मिले, मगर उन स्पीड ब्रेकर्स में मेरे को ये स्कूटर नीचे से नहीं टकराया, तो 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस चल जाएगा, ये बहुत बड़ी इसमें कमी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्कूटर को क्यों खरीदना चाहिए। तो आपको इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि यार आप इसकी डिज़ाइन देखो, ये आपको अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन के साथ मिलता है, मगर उसके बाद भी यामा ने इसकी रेट्रो फील को बरकरार रखा हुआ है। मॉडर्न के साथ साथ रेट्रो फील आपको स्कूटर में मिलती है। जो आप इस स्कूटर को सामने की तरफ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रंट का लुक कितना ज़्यादा डैशिंग है। इसमें आपको येलो कलर के साथ क्रोम की फिनिश मिलती है, बहुत ही ज़्यादा इसको स्टाइलिश बनाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों है इसकी पीछे की साइड का पोर्शन, जो आप देखिए यार कितना ज़्यादा बड़ा है पहले के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा स्लीक है। इसमें आपको बहुत बड़ी सी वी शेप की टेल लाइट मिलती है जो इसके लुक को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। इसके साथ इसका पीछे का टायर भी एक इसमें प्लस पॉइंट है जो 110 mm चौड़ा है, बाकी स्कूटर्स में आपको 90 mm चौड़ा ही टायर मिलता है पीछे का। बहुत बड़ा इस स्कूटर में आपको व्हील बेस मिलता है, मतलब आप ये मान के चलिए कि सबसे बड़े व्हील बेसेस में से ही एक ये स्कूटर है। और इसके बाद अंडर सीट स्टोरेज भी स्कूटर में बहुत शानदार है, 21 लीटर की आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलती है। और इसकी लाइट वेट बॉडी डिसएडवांटेज के साथ साथ एडवांटेज भी है, क्योंकि ये लाइट वेट बॉडी से आपको मिलती है जबरदस्त पावर टू वेट रेशियो, जो कॉम्पिटिशन के ज्यादातर स्कूटर से बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों फीचर्स में भी ये स्कूटर भारत के पॉपुलर स्कूटर से कम नहीं है, क्योंकि आपको इसमें साइलेंट स्टार्ट मिलता है, उसके बाद स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम मिलता है, उसके बाद इसमें साइड सन इंजन कट ऑफ भी मिलता है। तो यामा ने इसको कहीं से भी पीछे नहीं रखा और ज़बरदस्त इंजन है यार, आप जानते हैं ब्लूकोर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए आपको इस स्कूटर को खरीदना चाहिए वो है आपको इस स्कूटर को चलाने में मज़ा आ जाएगा। पावर, पिकअप, हर एक चीज़ ज़बरदस्त है दोस्तों। जैसा मैंने चलाया मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं लास्ट में बात करूँगा इसके मॉडल्स की और कलर्स की और प्राइसेस की। तो दोस्तों इसमें आपको टोटल मिलते हैं दो मॉडल्स, एक आता है ड्रम, एक आता है डिस्क। ये डिस्क वेरिएंट है, मैं बात करूँगा ड्रम की। तो ड्रम में आपको टोटल मिलते हैं 5 कलर्स, जिसमें से 3 कलर्स हैं कैन ब्लू, मैट ब्लू और मेटलिक ब्लैक। इसके बाद आपको 2 कॉम्बिनेशन कलर मिलते हैं, उनमें से एक है सुएवे कॉपर और दूसरा है डार्क मैट ब्लू। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर्स है दोनों के कॉम्बिनेशन में। फ्रंट में आपको उसमें ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है और वो इससे भी अच्छे लगते हैं, हालांकि इसका ब्लैक और रेड भी बहुत ज़बरदस्त कलर है। इसके बाद इसका डिस्क वेरिएंट है, डिस्क वेरिएंट में आपको टोटल 7 कलर मिलते हैं, 7 में से 5 कलर्स तो यही हैं जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा 2 एडिशनल कलर्स और हैं उसमें, येलो कॉकटेल और विविड रेड, जो मैंने आपको बताया विविड रेड देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। येलो कॉकटेल ही आपके सामने खड़ा हुआ है, आप जानते हैं बहुत ही शानदार कलर है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। लास्ट में बात करूंगा प्राइसेस की। तो प्राइसेस मैंने यहाँ पर शोरूम से ले रखे हैं और मेरे पास सीधे ऑन रोड प्राइसेस ही हैं। मैं आपको बता दूं फैसिनो का जो ड्रम वेरिएंट है वो हल्द्वानी में लगभग 90,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में पड़ता है, और इसका डिस्क वेरिएंट पड़ता है इससे 2,000 रुपये महंगा।
जो है 92,000 रुपये ऑन रोड की कीमतें। तो दोस्तों ये था इस खूबसूरत स्कूटर का लंबा राइड रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस स्कूटर को खरीदने में अब डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल राइड विद आशीष एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अपने रेडर दोस्त आशीष को विदा दीजिए आज के वीडियो में, एक और नए वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने के लिए। नमस्कार।